नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। मकान हस्तांतरण कर बढ़ाने को लेकर आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर पालिका पहुंचकर अधिशासी अधिकारी को संबोधित ज्ञापन जेई मिथुन कुमार को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर वासियों द्वारा संज्ञान में आया है कि मकान अथवा प्लॉट की बिक्री के पश्चात नगर पालिका परिषद से नाम हस्तांतरण की 500 रुपये की रसीद पूर्व में कटती थी तथा आसानी से नाम हस्तांतरण हो जाता था, लेकिन अब ज्ञात हुआ है कि बैनाम के पश्चात नाम हस्तांतरण की 2% कर आमदनी के पश्चात नाम हस्तांतरण होता है। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने कहा कि जब तक यह व्यवस्था पूरे जिले में लागू ना हो जाए तब तक कायमगंज में भी लागू ना की जाए। कंसल ग्रुप द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, उसमें उन्होंने बताया कि हमको माननीय अधिशासी अभियंता द्वारा एक सूचना दी गई है नोटिस टाइप की कि उन्होंने जो हाउस टैक्स की बढ़ोतरी की है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए माननीय यूओ साहब ने सम्मानित डीएम साहब को पत्र भेजा है। उसकी कॉपी उन्होंने नगर अध्यक्ष कंसल ग्रुप संजय गुप्ता को भेजी है। इस संबंध में हमारा ये कहना है कि व्यापार मंडल ने हमेशा, चाहे वो कोई भी व्यापार मंडल हो, कंसल गुट हो, मिश्रा गुट हो या बंसल गुट हो, हमेशा व्यापारी की जनता की आवाज़ को उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। इस संबंध में हम लोग कतई दबने वाले नहीं हैं और यदि हम लोगों के खिलाफ किसी भी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो हम सब लोग एक साथ सड़कों पर आएंगे और उसका विरोध करेंगे। उसमें चाहे हमको बाजार बंदी करानी पड़े, चाहे धंधा बदल करना पड़े, हम सब लोग अपनी एकता को मजबूत कर रखेंगे और कायम रखेंगे। अतः ईओ साहब से कहना हमारा यही आग्रह है कि हम लोगों को डराए या धमकाए ना, हम लोग डरने धमकने वाले नहीं है, न्याय प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं और जो भी विधसम्मत होगा उस पर कार्य करेंगे। धंधा प्रदर्शन करना हमारा अधिकार क्षेत्र में, उसका हम हमेशा प्रयोग करेंगे।